हाय फ्रेंड्स, मैं चिकेन बिरयानी चेसुकोवालनुकुंटున్నాము। सो मैं चिकेन తెచ్చుకున్నామన్నమాట। దీన్ని ఇప్పుడు బాగా క్లీన్ గా కడిగి పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం। ఓకే ఫ్రెండ్స్, देखिए फ्रेंड्स। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं चिकन बिरयानी रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं आज चिकन मंगवाई हूँ। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के मैं अच्छे से इसको वॉश करके उसके बाद मैरिनेट करके इसको थोड़ा देर चिल मोड में रख देती हूँ। ओके, इसको हल्दी डाल के धोने से क्या होगा ना, इसके अंदर जो बिसान बास रहता है, जो स्मेल रहता है चिकन का, वो नहीं आएगा हमको पकवाने के बाद। अगर ये नहीं भी डाला तो आएगा थोड़ा सा। गरम मसाला पाउडर डालते हैं ना, उससे भी नहीं आएगा। थोड़ा हल्दी डाल के क्लीन करने से थोड़ा अच्छे से रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं करी के चिकन बिरयानी के लिए अलग से ली हूँ और फ्राई पीसेस के लिए अलग से ली हूँ। इस दोनों को भी मैं अच्छे से वॉश करके रख ली हूँ। अब इसका मैग्नेटिक तरीका मैं आपको बताऊँगी। ओके, देखिए दोस्तों, 1 टेबल स्पून चिल्ली डाल दीजिए, चिल्ली पाउडर। ओके, नेक्स्ट चिकन मसाला पाउडर डाल रही हूँ। कचरा पाउडर और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला मतलब धनिया और क्या बोलते हैं, लौंग पत्ता का पाउडर रहता है ना, वो वाला पाउडर। और उसके बाद धनिया पाउडर, और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद एज पर द टेस्ट साल्ट, जितना आपको चाहिए उतना साल्ट डाल लीजिए। और उसके बाद लास्ट में मैं डाल रही हूँ कर्ड, क्योंकि कर्ड डालने से एक अलग टेस्ट आएगा, वो फ्लेवर भी अच्छा रहेगा। ओके, थोड़ा सा कर्ड डाल लीजिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको मैं अच्छे से मैरिनेट कर ली हूँ और इसको 15 से 30 मिनट्स के लिए मैं बाजिक रख रही हूँ, क्योंकि टुकड़े को अच्छे से मसाला वसाला लगना है इसलिए। ओके, हाय दोस्तों, वेलकम बैक। और मैं 3-4 ऑनियंस को मैं चॉप करके रखी हूँ, और टमाटर 3 टमाटर लेना चाहिए, और कच्ची हरा मिर्च 5 लेना चाहिए। इसको मैं सबको चॉप करके रखी हूँ। ओके, आप बिरयानी का सामान दिखाऊंगी आपको। ये देखो, ये है पलाव पत्ता, और ये लौंग, इलायची, चकला, और ये अनास फूल, मराठी मग्गा बोलते हैं इसको तेलुगु में। इन सबको एक जगह रख लीजिए, इसको तेल में भून लेना है, अच्छे से फ्राई करना है। और ये मैरिनेट हुआ चिकन 15 मिनट्स के बाद देखो ये कैसा लुक आ रहा है। अब चिकन बिरयानी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चलो फ्रेंड्स, स्टोव ऑन करके पैन रख लीजिए, और उसके बाद ये अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें ऑयल डाल लीजिए। 1 टेबल स्पून घी डाल लीजिए स्वादिष्ट के लिए। और उसके बाद 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल लीजिए। चिकन बिरयानी बनवा रहे हैं ना, इसको ऑयल ज़्यादा ही चाहिए।
और उसके बाद जो जो बिरयानी का सामान हम रेडी करके रख लिए उसको डाल लीजिए, डाल के अच्छे से भून लीजिए ताकि फ्राई कर लीजिए। और अब हरी मिर्ची डाल रही हूँ, पहले हरी मिर्ची डाल दीजिए, उसके बाद ऑनियन चॉप्ड ऑनियन, इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए, ये ब्राउनिश कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है और इसमें थोड़ा सा साल्ट डाल लीजिए, अच्छे से ब्राउन कलर आ जाएगा आपको। इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर होने के बाद ही डाल लेना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से ब्राउन कलर आ चुका है, इसमें हम अभी ऐड करेंगे टमाटर को। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लीजिए, फ्राई कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर भी और ऑनियन अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम ऑलरेडी मैरिनेट में इसको डाल चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बिरयानी के स्वादिष्ट के लिए हम थोड़ा सा डालेंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए, पट्टी मिला लीजिए। इसमें थोड़ा सा टेस्टिंग सॉल्ट डाल लीजिए और थोड़ा सा दही डाल लीजिए, ये अच्छा सा खटा खटा टेस्ट देगा। इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। वो कर देखते हैं। इसके बाद हम अब चिकन का मैरिनेट को मिलाएंगे। चिकन का मैरिनेट को इसको अच्छे से इसमें डाल के फ्राई कर लीजिए। इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इसमें वाटर ऐड करना जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें से भी वाटर आएगा थोड़ा सा, वो वाटर बस हो जाएगा इसके लिए। देखिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी चावल निकाल के रखी हूँ और इसको 10 मिनट के पहले ही मैं ऑलरेडी इसको भिगा के रख ली हूँ वाटर में डाल के रख ली हूँ ताकि जल्दी से अच्छे से पक जाए। इसलिए पानी को अलग कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम पानी डालते हैं ना बिरयानी के अंदर, बिरयानी के लिए इसमें भी पानी होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, पानी क्वान्टिटी से भी ज़्यादा, और ये गल जाएगा जल्दी से। मैं तीन ग्लास ऑफ राइस को लिए हूँ चावल को, और मैं 3 × 3 = 6 ग्लासेस ऑफ वाटर को ऐड कर लीजिए इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख लीजिए, ये अच्छे से पानी आउट होने के बाद, गर्म होने के बाद हम इसको चावल में ऐड करेंगे। ढक के हाई फ्लेम में ही रख लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, ये वाटर अच्छे से उबलने चुका है ताकि ये प्रिपेयर थे चावल डालने के लिए। और पानी डालने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए ताकि यह नमक कम था तो इसमें नमक ऐड कर लीजिए। बिरयानी मसाला डाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑयल ऊपर आ चुका है पानी से और हम अब इसमें चावल ऐड कर लेंगे। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख लीजिए। टू हाई फ्लेम नॉट टू स्लो फ्लेम, मीडियम फ्लेम में रख लीजिए। हाई फ्लेम में रख के ही पका लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम में रख के ढक लीजिए। 10 मिनट के बाद इसको ओपन करके देख लीजिए और उसके बाद फिर से लो फ्लेम में रख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसको अच्छे से नीचे से ऊपर तक अच्छे से हिला लीजिए ताकि नीचे पक जाएगा, ऊपर कच्चा पक्का रह जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा से हिलाना नहीं चाहिए, हल्का से ऐसा ऐसा करके ढक के रख लीजिए। ये ऐसे होने के बाद इसको ढक के लो फ्लेम में रख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, देखो ये रेडी हो चुका है। अब इस पे हम थोड़ा सा घी डाल दीजिए, टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा इसको। इस पे घी अच्छे से डाल लीजिए। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल लीजिए गार्निश के लिए और अच्छा भी रहेगा स्मेल और टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, ये देखो अच्छे से रेडी हो गया है। हम इस पे घी और धनिया पत्ता से गार्निश कर लिए हैं लास्ट में टेस्ट के लिए। तो ये देखो फ्रेंड्स, अच्छे से रेडी हो गया चिकन। चिकन पुलाव रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, यम्मी यम्मी चिकन पुलाव। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।